मेरी हंसी देखकर क्या लग रहा है जी? खुश तो हूँ आज मैं, बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए तो है ही है। तो ये है देखो खुशखबरी, टन टन बन रहा है जी मिलट, कल नहीं बनाया तो सोचा कि आज तो भाई बना लेते हैं। बीच में कभी कभी हो जाता है कि नहीं बनता है तो रख दिया, बन जाएगा कुछ नहीं, बीच में बस इसको चलाना है और मटके में पानी भरना है और कुछ बर्तन पड़े हैं। आज बन रही है जी झटपट वाली सब्जी, या ऐसी चीज सब्जी बोलेंगे वैसे तो, क्योंकि और कोई सब्जी अगर आपका बनाने का मन ना हो, खाने का मन ना हो, झटपट बनानी हो तो वो वाली है ये। प्याज टमाटर मिर्ची और एक चीज़ और डालूंगी तो ये सब की सब्जी बनाऊंगी। ये तो मैंने सलाद के लिए रखे हैं, दाल रख दिया इधर, दाल भी चाहिए थोड़ा, मिलेट है मिलेट के साथ दाल तो चाहिए ना, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को ये बात तो। और दूध गर्म हो गया बचाने वाला है, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे सब्जी वगैरह ना, वो रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, मिलेट के साथ उनको दाल ही चाहिए, तो दाल तो मेरे इसलिए बननी ही है। इसको बंद कर देते हैं, अभी दाल की सीटी आएगी तब तक मैं ये कट कर लेती हूँ, बस वो भी बंदी कर दो इसको भी। राम राम जी, कैसे आप सभी? हम पर जी दया है, आप सभी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया है। क्यों कहोगे, किचन से व्लॉग शुरू होता है, क्या करूँ जी, बहुत सारा दिन तो किचन में ही जाता है, झाड़ू पोछा करते हुए क्या दिखाऊं या कुछ और करते हुए, तो मैं सोचा जो कुछ नई सब्जी वगैरह बनती है वही शेयर कर दो आप लोगों के साथ, और देखेंगे कुछ और नया होगा दिन में वो सब शेयर करेंगे। तो अभी बना लेते हैं सब्जी, क्योंकि फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। तो मैंने लगा रखा है टोनर, लगा रखा है, दिख रहा होगा थोड़ा सा पानी पानी सा, तो पहले मैं कट कर लेती हूँ। दिखने में जी सारा टमाटर एकदम देखो, ये अपने लागे से खराब होगा, और अंदर तो देखो काटा दोनों का दोनों खराब निकला है, काटा तब पता चले कि खराब है, बदबू सी आई, काटे तब ऐसे ना आए कुछ भी, अब ऐसे ही ये दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे वो दिख रहे थे, ये देखती हूँ। बना दिया जी सब्जी, तो टमाटर तो रहे नहीं थे काम के, तो मैंने मूँगफली और प्याज की बनाई है, बन चुकी। इसको थोड़ा सा उबड़ा छोड़ दूँगी क्योंकि अभी बहुत गर्म है, बंद कर दिया है, दूध हो गया है, दाल की सीटी आ चुकी है, और आटा मैंने थोड़ा सा लगा रखा है, तो निशु को लेके आती हूँ, उसका टाइम होने वाला है, और फिर बाद में आके रोटी बना दूंगी थोड़ी सी, और दाल का छोका दूंगी थोड़े से, दो चार बर्तन है, टूट पड़ो। ये है जी आज की प्लेट, मिलट अमली यानी कि रोटी, ओए रोटी का लेके दाल, और आज सब्जी बनाई ना बहुत टेस्टी लग रही, मैंने थोड़ी सी खा के देखी, हाँ अमली वो होता है, ये मूंगफली और प्याज की सब्जी ट्राई करना, टमाटर डाल सकते, टमाटर मेरे तो खराब निकला है सारे, टेस्टी है। और ये खीरा नारियल के लड्डू भी बच रहे हैं, और लस्सी भी चाहिए, दही से ज्यादा लस्सी टेस्टी लगे है। हम लोग आइसक्रीम लेके आए, ये अपने पापा के साथ सब्जी लेने गए थे, आइसक्रीम लेके वो अभी फ्रिज में रखी है, और आराम से बैठो खाना खाओ, अभी करते हैं लंच फिर बाद में लेंगे, ओए खाना खा लो पहले आ जाओ। ये आ गई जी आइसक्रीम, अरे पिघल गई क्या भाई, थोड़ी थोड़ी तो लग रही है निशु। आज तो जी मेरी पसंद की चीज आ गई आंवला, देखो कितने अच्छे भी दिख रहे हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश अच्छे दिख रहे हैं, यानी कि बासी बासी मतलब अच्छे दिख रहे हैं, और बहुत हेल्दी चीज है ये, इसको खाना ना एक कम से कम एक जरूर खाना है, दो खा लो तो बहुत ही बढ़िया है। तो किसी न किसी तरह से इसको अपने खाने में शामिल करेंगे, चाहे कच्चा खाओ, कच्चा जाड़े बहुत वैसी हो जाती है, कैसे भी करो तो करूंगी। आ गई आज तो, इसको देख के मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि आंवला आ गया है, और अभी तो इधर तो चाय चढ़ा दी है मैंने, और ये करना था, ये तो वो चावल का पानी रखा ही है, ये तो भाई जी चावल का पानी कल वाला है, तो इसको तो हेयर वॉश करूँगा, उस दिन यूज करूँगा, हेयर वॉश हुआ ही नहीं है, तो ये रखा ही है, प्लास्टिक की में होती है, तो इसमें हो जाता है कुछ स्मेल को, या वैसे हो तो इसमें भी जाएगी ज़्यादा रहेगा तो, लेकिन अभी ये ठीक है। और मैं तो ये दिखा रही थी, ये मैंने भिगोई थी कब, कल नहीं कल से पहले भिगोई थी, मतलब आज दूसरा दिन हो गया, दो दिन हो गए इसको भिगोए, मेथी कलौंजी कल लगाना था ये पानी, पर कल नहीं लगा पाई, बस ऐसे ही बीजी हो गई, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो बाड़ों की हेल्थ के लिए ये आज तो देखो सारी बाड़ों की उसकी चीज़ हो गई, ये भी और ये भी, और ये तीनों चीज़ें सिर्फ ने बालों के लिए नहीं, फेस के लिए भी, हेल्थ के लिए भी अच्छी है ये तो, और ये चीज़ें फेस के लिए भी अच्छी, स्किन के लिए भी, ये भी अच्छी है, राइस का भी, और आंवला खाना तो है ही अच्छा, तो चीज़ें तो सही कर रही हूँ अपनी तरफ से, तो देखते हैं बाकी जी। आप लोगों के साथ ही कुछ काम की चीज़ें ही शेयर करने का सोचती हूँ, कि ताकि किसी को कुछ जो जानकारी मेरे को है वो मैं किसी को आगे पास करूँ, ताकि कोई और जान पाए, और कोई और जानेगा तभी तो आगे वो किसी और को बताएगा, नहीं ऐसे ही तो चलता है कोई भी चीज़ हो। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है नेचुरल वाले, तो अब इसको छानूंगी, मैं सोच रही हूँ चाय पीने से पहले अप्लाई कर लेते हैं, चाय पी के, चाय देखो बॉडी को गर्म गर्मी देगी ना, और फिर इसको मैं सर में लगाऊंगी तो इससे ठंडा ठंडा लगेगा, तो पहले सोच रही हूँ कि और अच्छे से उबलती रहेगी चाय, तो या वैसे इसमें उबाला आ गया है, दूध डाल देती हूँ तो उबलेगी,
तब तक इसको मैं अप्लाई करती हूँ बालों में। और ठंड के मौसम में चाय के मजे तो जी आप लोग भी ले रहे होंगे, क्योंकि अभी नॉर्थ साइड में तो हरियाणा साइड में उधर बहुत ठंडी होने लग गई, अभी मतलब बहुत नहीं लेकिन ठंडी होने लग गई, तो ठंड में तो चाय का ठंड का तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा है, तो हमारी चाय भी बन जाती है। इधर भी बारिश का मौसम हो रहा है, बादल बोल रहे हैं गड़गड़, कल भी जैसे रात को बारिश आई थी आज भी आ जाएगी, अभी हो रहा है, और दिन में भी ऐसी कोई धूप नहीं थी बादल ही थे, तो ठंडी चाय पीते हैं। चिकना तो हो ही जाना, जो इसमें मेथी है चिकना थोड़ा गाढ़ा भी हो गया, ऐसे नहीं लग रहा है बहुत पतला नहीं है, पर अब आ गया इसमें, कल ही मैं यूज करती ना तो ये थोड़ा सा कम होता, लेकिन अब इसको 2 दिन हो गए ना, और इसको सिर्फ मैं एक बार यूज नहीं करूंगी, जैसे इसका पानी मैंने ले लिया इधर से, देखो इधर से दिखेगा, इसमें कितने 2-2 चम्मच डालूंगी, 2 चम्मच मेथी 2 चम्मच कलौंजी। चाय तो उबल गई है जी मेरी, उबलने लगी तो मैंने स्लो कर दिया गैस, ये मैंने देखो पानी आ गया है, मेथी कलौंजी का छान लिया है, ये 2 दिन रखना है, इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ये थोड़ा सा जैसे चिपचिपा ज्यादा हो गया है इस तरह से, और इसके अंदर मैंने दोबारा से पानी डाल दिया, क्योंकि सिर्फ एक ही बार यूज नहीं करी, तो 2-3 बार मैं यूज करूँ, इसमें मैंने फिर से पानी डाल दिया, लगभग 2 चम्मच कलौंजी थी 2 चम्मच मेथी दाना था, इनको भिगोया था, ये देखो, तो इसको आज इसको लगा रही, कल भले ही मैं इसको अप्लाई कर लूँ, परसों हेयर वॉश कर लूंगी, और चाहूँ तो 1-2 दिन का बीच मतलब 1 दिन का गैप करके लगा सकते, कैसे भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी, इसको रख देते हैं अभी, और चाय जी दे दो छान के, उबड़े तो छुट्टी दे ही दे देती, मैं बाद में लगा लूंगी इसको, चाय वो हो जाएगी, तो चाय पीने से पहले लगाऊंगी पर इसको। और सब्जियां पड़ी हैं जी पानी में, क्योंकि जगह ही नहीं थी, बर्तन धोए थे, बर्तन नहीं रखे थे, बर्तन थोड़े अभी भी गिले थे, सूख जाए तो इनको हटा दो, फिर सब्जियां इसमें रख दो धोके, तो देखते हैं कुछ करूंगी, बारिश का मौसम हो गया आज फिर से बाहर, तो आपके ठंडी का मौसम है तब आप चाय के मजा लो, क्योंकि अभी हरियाणा साइड में तो नॉर्थ में काफी ठंडी हो रही है, तो ठंड का और चाय का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल ऐसा है कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम बारिश में, बारिश का चाय का भी ऐसा ही है, तो हम बारिश में मजा लेते हैं चाय का, आप लोग ठंड में लो, तो हमारी चाय भी फट गई है, अभी छान लेते हैं इसको। आज निशु गई थी जो पापा के साथ सब्जी लेने, लेके क्या उसकी पसंद की चीजें दिखाती हूँ, ये मेरी लड़की ना बहुत अलग टाइप की है, कीवी निशु के फेवरेट, और इसके अलावा है ग्रीन एप्पल, ये भी निशु को पसंद है, आज वो सब्जी लेने गई थी तो सारी अपनी पसंद की चीजें लेके आई है, ये लेके आई है बोलो, और एक और चीज आइसक्रीम, आइसक्रीम तो सबको ही पसंद है, पर वो थोड़ी सी ना है, उसको चाहिए तो चाहिए, आज साथ में गई थी तो सब अपनी चीजें लेके आ गई, चाय पी लो जी। 6 बज गए जी सही, और मौसम देखो वो आ गई, लग रहा है फुहार सी तो कुछ मेरे को आ ही नहीं है, आ गई जी आ गई, आगे गिर मेरे हाथों पे 1-2 बूंदे गिर रही है, कपड़े मेरे तो वही फिर आज कपड़े हैं, ये उतारती हूँ कपड़े, आ गई बारिश आ गई, ऐसा हो गया देखो काला काला, उतार लेते हैं अपने, अंदर सुखाऊंगी अब क्या करूँ, तो मेरी हंसी देखकर क्या लग रहा है जी खुश तो आज मैं बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए तो है ही है, तो ये है देखो खुशखबरी, टेंटन 2000 सब्सक्राइबर हो गए आज, अभी मतलब कुछ मिनट पहले हुए होंगे मेरे, मैंने अभी देखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो लोग देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया बहुत बहुत धन्यवाद, जो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसी भी बहुत सारी ऑडियंस है तो उनका भी धन्यवाद, और बहुत खुश हूँ ये सब आप लोगों के साथ से प्यार से ही नसीब हो रहा है, तो ये है आज की एक बड़ी खुशखबरी टाइम हुआ है जी, सही टाइम है, देख लो ये फ़ोन में दिख रहा 6:37 हो गए हैं, तो अभी का ये टाइम है, चाय वाय पी थी तो अभी मैंने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, तो है ना जी खुशखबरी की बात, तो आज का तो दिन बन गया योशी नहीं है, योशी को नहीं बताएगा, योशी आएगी तो उसको भी बताते हैं ये कि भाई योशी 2000 हो गए, हाँ मेहनत बहुत लग रही है कर रही हूँ अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की, और आगे भी करती रहूँगी, तो देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, अभी 2 हुए हैं अभी, टारगेट पहले तो टारगेट तो क्या बताएं, चलते हैं बस चलते जाना आगे मंजिल पर, कि रास्ते में कहीं थकेंगे तो बैठ जाएंगे थोड़ा सा कभी किसी का सहारा ले लेंगे, फिर उठेंगे और फिर चल देंगे, तो बहुत खुश हो गई अभी तो मैं अंदर से स्माइल करने का, बस निकल ही जा रही है और थोड़ा सा, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, चाय पी लिए जी, अभी करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू, और अभी मैं
चाय तो कितनी इशूज हो रही थी, अभी जगी है जस्ट, तो इनके लिए थोड़ा सा खाने पीने का देखती फिर उसके बाद मेरे को चेंज करके। कल मेरी वीडियो नहीं बनी, सोच रही थी कि बनाऊंगी पर काम ऐसा हो गया था कि नहीं बना पाई, तो फिर वही है। तो आज देखती हूँ, आज तो बना लूँ, कल नहीं बनाई क्योंकि हर दिन नहीं बनाऊंगी तो फिर डालूंगी कहाँ से वीडियो। तो अभी थोड़ा सा खाने पीने का देखे 10-15 मिनट में, और 7 बजे फिर रेडी हो जाती हूँ, फिर बनाते हैं दो वीडियो। और क्या पहनती हूँ वो तो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगी। टाइम हो गया जी 9:20, और बालों में वो लगाए थे तो थोड़े गिले गिले, मैंने वही वीडियो बनाई है, अभी चेंज करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा और टाइम नहीं लगा सकती, अभी भी लेट हो जाएगा। खाना सबका हो गया, दूध भी ले लिया है, और मैंने नहीं लिया, अनिशु नहीं लिया ना, अनिशु ने भी नहीं लिया, ज़्यादा गर्म था पहले, क्यों नहीं लेगा, इनको दूध वगैरह देती हूँ, बर्तन वॉश करूँगी, लग जाए 10 बज जाने यार, ये भी दवाई लेगी दूध लेके रुक के। फिर तो लोग को खत्म करते हैं, आज का लोग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। कल फिर मिलूंगे अगले व्लॉग में, आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम जी।